गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम LKG क्लास को हिंदी सब्जेक्ट में बताएंगे कि बच्चों से क्या करवाना है। LKG क्लास में जैसे शब्दों को देखकर खाली जगह भरिए। आ से आने खाली तक, आ से अनार। यहाँ पे हमने जो यहाँ पर वर्ड नहीं है, जो वर्ड मिसिंग है, जो खाली जगह हमने छोड़ रखी है, ये उन्हीं वर्डों को हमने यहाँ पर वही शब्द लिख रखे हैं। इन्हीं शब्दों को देखकर हमें बच्चों को इन खाली जगहों पर भरवाना है। तो जैसे कि यहाँ पर आ से अनार हमने लिख रखा है, यहाँ पर आएगा आ से आम। तो हमें बच्चों से यहाँ पर लिखवाना है आ से आम। अब यहाँ पर आ से आम के बाद आएगा छोटी सी इमली। यहाँ पर ये हमने छोटी सी इमली की, तो इसको देख के अब हमें यहाँ पर भरना है छोटी सी इमली। बड़ी से एक, छोटा उसे उल्लू, छोटा उसे उल्लू यहाँ लिखा जाएगा। इस तरह से हमें ये सारे शब्दों को देखकर इन जो भी खाली जगह हैं यहाँ पर भरवाना है। उसके बाद आ से आने खाली तक होने के बाद अब हम आएंगे का से ज्ञा तक। का से ज्ञा तक शब्दों को देखकर खाली जगह या स्थान को भरिए। तो जगह का मतलब स्थान, स्थान का मतलब जगह। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर आ से आने खाली तक करवाया है, उसी तरह ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पर का से आगे ज्ञानी तक लिख रखा है। का के बाद खा हमने उन्हीं के सामने बस थोड़े से उल्टे सीधे लिख रखे हैं। तो इनको देखकर बच्चों को पहचान के लिखना है कि किसके बाद क्या आएगा। जैसे का के बाद खा, खा के बाद खा, खा के बाद आएगा यहाँ पर गा। हमने गा या खा के बाद यहाँ पर घा लिख रखा है, तो घा तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा। तो उसके बाद गा, हमें शब्द को पहचान कर लिखना है। अब ये आ गया गा। अब गा हम यहाँ पर लिखेंगे, गा के बाद घ, घ आने खाली। इस तरह से अब ये आ गया हमारा चा वर्ड। चा वर्ड में ये जो भी वर्ड जहाँ पे मिसिंग है, ये छा के बाद ज, झ। टा वर्ड में ट, ठ, ड, ढ, यहाँ पर आएगा ढ। तो टा वर्ड यहाँ का आएगा, ठा वर्ड यहाँ का। उसके बाद तावर्ड में आते हैं, तावर्ड में हमारा थ, द, ध, न। इसी प्रकार हमने सभी को उन्हीं के सामने जो खाली जगह यहाँ पे छोड़ रखी है, बस उन्हीं को इन यहाँ से वर्डों को देखकर, शब्दों को देखकर इनसे यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अब हम आते हैं स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पर हमें बच्चों से करवाना है स्वर और स्वर व्यंजन। तो स्वर व्यंजन हमें एक साथ ही करवाने होंगे, जैसे आ से आगे ज्ञानी तक। तो हमने यहाँ पर लाइन ऐसे ही छोड़ रखी है, यहीं पे हमें बच्चों से आ से आगे ज्ञानी तक करवाना है। आ से अनार, आ से आम, इसी प्रकार से हमें आ से लेकर आगे ज्ञानी तक इसमें सारे सब करवाने हैं, स्वर और व्यंजन यहाँ पे करवाना है। उसके बाद अब हम आते हैं मात्राओं की सही पहचान। आ से आने खाली तक, आ छोटा, छोटा की मात्रा हमारी आएगी ऐसे। बड़ा की आएगी हमारी एक डंडा। छोटी, छोटी की आएगी हमारी ऐसे। बड़ी, बड़ी की आएगी हमारी इधर डंडा। और ऐसे जाएगी टोपी। छोटाऊ, छोटाऊ में हमारा आएगा ऐसे। बड़ाऊ, बड़ाऊ में जाएगा हमारा ऐसे। ए आए, ओ आओ, अंग आहने खाली, आहने खाली में हमारा ऐसे आएगा।
ये हमारे हो गए मात्राओं की पहचान। इस तरह से हमारी मात्रा, जैसे अगर हम कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे हमें यहाँ पर लिखना है कि, तो ये हमारा आ गया कि, तो कि हम लिखेंगे, जैसे ये हमने क लिख दिया, उसके बाद ये इसमें हमारी इधर से डंडा जाके इधर की टोपी लगती है, तो ये हमारा डंडा हो गया ऐसे कि। अ क क, उसके बाद बड़ा क, इसमें हम डंडा लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आ क। इस तरह से हमें शब्दों को पूरा करने के लिए मात्राओं का, इस तरह से हमें बच्चों को ज्ञान मात्राओं की पहचान करवानी है। उसके बाद छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटौ बड़ौ, ए आए ओ आओ अं आह, ये हमारी हो गई मात्राएं। इसके बाद अब हम आते हैं दो वर्णों वाले शब्द। दो वर्णों वाले शब्द में हमें, जैसे यहाँ पे ये हुआ हमारा नौ, न प्लस ल, न प्लस न ल, न ल, तो इसको हमें जोड़कर बच्चों से यहाँ पर लिखवाना है न ल, क प्लस ल, क ल, तो यहाँ पर आएगा क ल, कल, बस, ब प्लस ब बराबर बस, ब स, म प्लस ग, म ग, म ग, म ग, ख प्लस ग, खग, ख ग। इस प्रकार से हमें बच्चों से दो अक्षरों वाले, दो शब्दों वाले वर्डों को पाँच करवाने हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हमें बच्चों से क्या करवाना है। इसके लिए जो भी है वर्क हम आपको बता रहे हैं, इसको नोटबुक में करवाना है। उसके बाद अगले वीडियो में फिर हम बताएंगे कि हमें आगे कैसे क्या करवाना है। थैंक यू।